सो मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल एंड आई नो ये व्लॉग्स काफ़ी लेट आ रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा डेस्टिनेशन इस बार चूज़ करना टाइम लग गया था एंड आपको पता है कि मेरा काम जो है वो है मनाली साइड। बट एनीवेज गाइस, व्लॉग्स अब आने शुरू हो जाएंगे। बीच में व्लॉग्स नहीं आए थे उसके लिए माफ़ी, बट अब से व्लॉग रेगुलर चलेंगे आपके पास। सो गाइस, आज की जो डेस्टिनेशन है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो हम लोग जा रहे हैं गुंजी, छोटा कैलाश, दारमा वैली, ये सब। एंड जो रूट हम लोग लेंगे वो है वाया अल्मोड़ा होते हुए पिथौरागढ़ होते धारचूला। धारचूला में हम लोग अपने परमिट्स बनाएंगे क्योंकि गुंजी के लिए हमें परमिट चाहिए। टाइम हो चुका है 5 बज रहे हैं सुबह के और इस ट्रिप में हमारे साथ काफ़ी लोग होने वाले हैं। जैसे अभी मैं जा रहा हूँ गगन के वहाँ पे, तो गगन मुझे मिलेगा, देन उसके बाद है कोवित और नवनीत सर, एंड भवाली से हमें ज्वाइन करेगा पीयूष एंड राका भाई। सो बस चलते हैं, चल सर मिलते हैं एंड अब आपको दिखाते हैं आगे का रूट टूवर्ड्स धारचूला। सोयरा गगन, ये ब्रो वो कह रहा है मैं पहुंच गया सबका, कह रहा आईडी पे, चल देखते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं नैनीताल रोड पे, मेन रोड पे, एंड जैसा कि कोविद कह रहा है कि वो पहुंचा हैडल पे, तो लेट्स सी। सुबह का टाइम है तो आपको बहुत कम लोग दिखाई देंगे, सिर्फ मॉर्निंग वॉक वाले और कुछ हम जैसे। सर प्रणाम। इन्फ्लेटर नहीं है? कोई नहीं, इन्फ्लेटर क्या पता मेरा काम कर जाए। आप लायो? वो छोटा है लेकिन काम कर जाता है। सो गाइस, यहाँ से अब हम लोग लेंगे अपना डाइवर्जन राइट हैंड की तरफ, और स्ट्रेट की बात अगर मैं बोलूँ तो वो चले जाता है नैनीताल और आपका बीर भट्टी होते हुए भवाली भी जाता है ये वाला रास्ता। बट हम लोग लेंगे अब ये वाला रास्ता। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है यहाँ से, लगभग लगभग आप 200 किलोमीटर पिथौरागढ़ मान के चलिए हल्द्वानी से, एंड वहाँ से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स और आपका रहेगा धारचूला। तो 300 किलोमीटर का ये सफ़र है आज का टोटल, तो देखते हैं कितनी जल्द और कितने टाइम पे हम लोग पहुँचते हैं आपका धारचूला। सुबह अगर मैं आपको दिखाऊं, वो देखिए वो है हल्द्वानी सिटी जहाँ से अभी हम लोग आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं आगे भीमताल की तरफ। बट भीमताल में हमें रुकना नहीं है, हम लोग सीधे जाके रुकेंगे भवाली। एंड फाइनली हम लोग भीमताल पहुंच चुके हैं। मेरे राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको एक लेक दिखेगी। ये जो एरिया ये है भवाली का मेन एरिया आप कह सकते हैं, या मेन मार्केट का एरिया। और अब आगे से डाइवर्जन आएंगे, ये देखिए जहाँ कोविद की गाड़ी पहुँची है, यहाँ से आप ऊपर को जाएंगे तो अपना नैनीताल का एरिया और वीर भट्टी वाला एरिया, और यहाँ से नीचे अब हम चले जाएंगे रानीखेत और आपका अल्मोड़ा वाले रास्ते पर।
सो पीयूष अभी पहुंचा नहीं है तो हम लोग आगे कहीं देखते हैं अगर कोई चाय की दुकान मिलती है तो। कोविक को वो पीयूष को कॉल कर लिया, वो कह रहा निकला हूँ। हाँ ठीक है, पीयूष को बोल फिर वहीं मिलना। चलो कैची कैची में चाय पकौड़ी खाते हैं। सो गाइस डिसाइड ये हुआ कि हम लोग कैची मंदिर में पीयूष का इंतजार करते हैं। पीयूष को निकलने में थोड़ी सी लेट हुए हैं तो यहाँ से भवाली से ज़्यादा नहीं है, 7 किलोमीटर की दूरी पर कैची धाम मंदिर। सो गाइस ये रहा आपके लिए कैची धाम मंदिर का एरिया और ये इन्होंने पार्किंग डेवलप कर दिया आप देखेंगे। और यहाँ पे अब एक से एक खाने की चीज़ें भी अवेलेबल हैं, मतलब खाने के स्पॉट्स कह सकते हैं आप। और ये देखिए ये रहा कैची धाम मंदिर। सो यहीं कहीं वेट करते हैं पीयूष का। इन्होंने पार्किंग वार्किंग बना दी अब सब। चाय अच्छी बनती है। चलो फिर। सो अब डिसाइड हुआ है कि हम लोग खैरना में रुकेंगे। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके खैरना और खैरना में हम लोग इस जगह पर रुकेंगे, आपका कृष्णा रेस्टोरेंट। तो अभी फ़िलहाल खाली ही है, हम लोग बाइक्स लगाते हैं अपनी इस तरफ को। क्या कह रहे हो? डिलीवर करा दो। सर ये गगन कह रहे डिलीवर करा दो। कहाँ चलना है? तो कह रहे हमारे नवनीत सर। ये रहा कोविद। अब कहाँ चलना है? एक काम करो, रुकी क्यों रहो, सीधे चलते रहो। सीधा तार चला की तो। तो बस करते हैं पीयूष का इंतज़ार फिलहाल। सो गाइस पीयूष एंड राका भाई आ चुके हैं। पीयूष ने बफ नीचे करते हुए ओए गगन। तो अब कहाँ रुकना है? अल्मोड़ा आगे लंच के लिए कहीं रुकेंगे। तो बस यहाँ से चलती है हम लोग खैरना से अल्मोड़ा की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा रुकने का होगा वो है अल्मोड़ा। और देखते हैं अब, सब लोग मिल चुके हैं, पीयूष और राका भाई आ चुके हैं एंड गगन चलती है आगे। तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे एंड अल्मोड़ा की डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो देखते हैं, ओके 33 किलोमीटर्स दिखा रहा है। तो बस चलते हैं अब आगे को। और पिथौरागढ़ है 148, तो 150 किलोमीटर्स मान के चलिए आप। तो एनीवेज अल्मोड़ा हम लोग पहुंच चुके हैं 9 बजे से पहले पहले और टाइमली हम लोग पहुंचते हैं। इस रास्ते पे यार बहुत चले हैं, पता है, एक तरह से आप कह सकते हैं अल्मोड़ा में बचपन बीता है मेरा। 10 साल में रुका हूँ, मतलब रहे हम लोग यहाँ। तो यार मेरा बचपन का फ्रेंड मेरा लंगोटिया यार रहता था तन्नू। तो तन्ना ये देख भाई, तू तो आ नहीं पाएगा लेकिन जगह देख। ये था एरिया पूरा का पूरा हॉच पॉच। ओहो काफ़ी मकान और शॉप्स बन चुकी हैं अब यहाँ पे। राहुल अगर तू भी देख रहा तो देख भाई जगह। सो गाइस अगर आपको ये दिख रहा है तो ये है एक साइड का अल्मोड़ा, उसके बाद ये ऐसे करके दूसरी तरफ से भी है। तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, या इससे पहले व्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो अल्मोड़ा शहर आपको दिख जाएगा, मेरे बचपन का शहर जहाँ मेरा बचपन बीता है।
अभी मैं आसिफ और इमरोज़ से भी नहीं मिल पाया हूँ, बट लौटते टाइम कोशिश करूँगा अपने बचपन के जिगरी यारों से मिलते हुए जाऊँ। हाँ, तो ये वाला एरिया ना गाइस अभी भी वैसा का वैसा ही है, और थोड़ी रोड उन्होंने चौड़ी कर दी है पहले से काफ़ी। और बस हम लोग चिते मंदिर, जो गोलजी देवता जी का मंदिर है, वहाँ पहुँचने वाले हैं। अगले बार आते हैं पक्का आपके पास जी की। इतने टाइम तक यू नो लाहौल और लद्दाख में राइड करने के बाद इस जगह पे राइड करने को मिल रहा है। तो आप देखिए लश ग्रीन करके पहाड़ हैं हमारे उत्तराखंड के, मज़ा वहाँ का अलग है एंड यहाँ का अलग है। ये देखिए, सो ऐसे ये देखिए एकदम घना जंगल है। ये है एक्चुअल में देवदार का जंगल, और आप देखिए क्या खूबसूरत सा लगता है। एंड काफ़ी ठंड भी है इधर, बहुत घना जंगल है ये। तो गाइस लगभग हम लोग घाट पहुंचने वाले हैं, एंड जैसे ही हम लोग घाट पहुंचेंगे वहां से हम लोग पुल क्रॉस करके डैन पे पिथौरागढ़ के लिए जो है कि चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। एंड फिर वहां से ज़्यादा किलोमीटर नहीं रहता, एंड रोड भी काफ़ी अच्छी है उसके बाद, तो क्योंकि काफ़ी चौड़ी रोड मिलेगी वहाँ पर। एंड रही बात मौसम की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है अभी। तो वैसे अगर आप मेरे बगल में देखेंगे ये जो नदी बह रही है इसका नाम है काली नदी, और वो रहा पुल, उस पुल को क्रॉस करके हम लोग पहुंच जाएंगे और ये उधर की तरफ, एंड यहीं से पिथौरागढ़ के लिए चढ़ाई जो होती है वो शुरू होती है। तो शाम को आप देखेंगे यही नदी इंडिया और नेपाल को अलग करती है, मतलब बीच से बह सकती है, मतलब बीच से बहती है। तो नेपाल काली नदी की एक तरफ इंडिया और उसके दूसरी तरफ नेपाल। तो डिस्टेंस की बात करूं मैं, धारचूला 120 किलोमीटर्स एंड पिथौरागढ़ 28 किलोमीटर्स। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़। अब देखना ये है कि नवनीत सर लोग कहां पे रुके हैं। गाइस हुआ ये है, पीयूष अलग निकल गया है, कोविड अलग निकल गया है, तो यही सब होता है बड़े ग्रुप में। एनीवेज अभी हम लोग अब सीधे धारचूला को ही निकल रहे हैं। तो पीयूष जो निकला वो बाईपास वाले रास्ते से निकला है, जो कि सबसे सही रास्ते में से एक है, और ये वाला थोड़ा घूम घाम के ही जाएगा। रोड एकदम पतली होने की वजह से काफ़ी जाम लग रहा है, क्योंकि सिर्फ यहीं तक का है, आगे तो रोड सही है।
ये देखिए, ये थोड़ा नैरो पासिंग है तो रुक रुक के ही चलना पड़ेगा। और बरसात में यही रास्ता सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। तो गाइस यहाँ से अब धारचूला ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 35 किलोमीटर्स या 36 किलोमीटर्स मोटा मोटा आप मान के चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा घंटे भर में हम लोग होंगे आपका धारचूला। तो धारचूला में काफ़ी रहने के ऑप्शंस हैं, होटल्स भी हैं, होम स्टेज भी हैं, एंड आपको KMVN भी मिल जाएगा। बशर्त यह है कि KMVN में आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिशल्स या डेलीगेट्स आते हैं तो ऐसे में KMVN पूरा पैक हो जाता है। यहाँ से लेफ्ट साइड का वो चल जाता है मुंशारी, बट हमें जाना है धारचूला तो हम लोग जाएंगे यहाँ से अपना राइट हैंड साइड। तो धारचूला की डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर्स रह गई है। सो गाइस फाइनली हम लोग अपना धारचूला पहुंच चुके हैं। और अभी टाइम अगर मैं बोलूं तो 4:30 हो रहा है, तो सुबह निकले थे हम लोग लगभग 6 बजे के अराउंड, एंड 5 से 6 के बीच में, एंड शाम को 5 बजे 4:30 पे हम लोग पहुंच चुके हैं आपका धारचूला। एंड अगर ये नदी के उस तरफ को देखेंगे तो सारा का सारा नेपाल है। ये KMVN किस जगह पर है? थैंक यू। टूरिस्ट रेस्ट हाउस, फाइनली गए। जिस वक्त हम लोग हैं धारचूला के KMVN में, थोड़ा आगे ले ले, देखते हैं रूम में पहुंचते हैं, आपको रूम दिखाते हैं और बात करते हैं आगे।